गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड हम लोग उठ गए हैं चैंटिंग करने के लिए, मी एंड माई सिस्टर। और वेदर इज़ प्रीटी नाइस, बारिश हो रही है बट अपेरेंटली इट्स अ नाइस फीलिंग फाइनली, क्योंकि कल आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को थोड़ा बेटर हुआ, नाउ इट्स फीलिंग वेरी नाइस। आई शो यू कि अभी वेदर कैसा हो रहा है। सो अपेरेंटली इट्स रेनिंग और बादल सारे नीचे आ गए हैं। सो हम लोग फ्रेशन अप होके रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हाय एवरीवन, सो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे पड़ोसियों से मिली है टॉवल लेके। आज बहुत बारिश हो रही है तो घूंघट तो उठाओ पूरा। हेलो गाइस, तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है एंड हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पोहा एंड सैंडविच। तो अब हम सब निकल रहे हैं जलोरी पास के लिए, जहाँ से आज का हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा सरोजल लेक तक के लिए। पहुंच चुके हैं अपने ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट पे। दिस इज द टेम्पल जहां हम सारे खड़े हैं वेट कर रहे हैं बाकी कार्स का एंड देन हम यहां से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फाइनली हमने जलोरी पास से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। बारिश होने के पूरे चांसेस हैं इसलिए हम लोगों ने अपने साथ अम्ब्रेला रेनकोट सब रखा है। सो हमने जलोरी पास का ट्रैक स्टार्ट कर लिया है, सवार हैं पीछे और इट्स फीलिंग नाइस। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा, आई थिंक जल्दी पूरा हो जाना चाहिए बट अगेन बहुत कीचड़ हो रहा है बारिश की वजह से। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और बहुत कीचड़ हो गया है। सो वेल, हम सब 360 डिग्री व्यू पॉइंट पहुँच तो गए हैं बट यहाँ पे हमें एक भी डिग्री का व्यू पॉइंट नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ द फॉग। व्यू तो नहीं मिला बट इंजॉय तो हमने फुल किया। हाय एवरीवन, वी आर रियली डिसअपॉइंटेड। व्हाई, बताओ क्यों? क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है गाइस। एग्जैक्टली, सिर्फ धुंध है हर जगह, नो व्यू, 360 व्यू का कुछ एक भी % व्यू हमें नहीं दिखा है। बट अब हम कहाँ जा रहे हैं? लेक जा रहे हैं, लेक पे जा रहे हैं। होपफुली वहां पे कुछ दिखेगा। Fingers crossed. Almost हम लोग कितना किलोमीटर चले होंगे? डेढ़ दो किलोमीटर, डेढ़ दो थोड़ा सा और रहता है बट फाइनली व्यू वर्थवाइल व्यू। वर्थवाइल तो क्या, फॉग चली गई है तो एटलीस्ट कुछ देख पा रहे हैं हम, अदरवाइज पूरा वाइट था। सो ट्रेल काफी ब्यूटीफुल है, इट्स जस्ट दैट काफी कीचड़ है इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, अदरवाइज इट्स नाइस। ये ट्रेल ब्यूटीफुल के साथ साथ इजी भी है, छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैक कर रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, हमें लेक जल्दी ही दिख जाएगी। ये कुछ दुकानें भी हैं साथ में, सो इससे पता चल गया कि हम पहुंच गए। हाय हाय, सो क्यूट। फाइनली इतने कीचड़ में चलने के बाद हमें लेक दिख गई है, होपफुली अच्छा व्यू हो। और मैंने सुना कि साथ में टेम्पल भी है, लेट्स सी। तो हमें अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं नीचे आए हुए और लेक ढक गई है लेकिन हमें पालकी दिख रही है किसी देवता जी के मामले में, हम आगे जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देवता श्रृंग Oh, my God.
तो टेंपल दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आए और हमने देखा कि फॉग फाइनली हट गई है और हम लेक को देख पा रहे हैं। वापस जाने से पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है पेट पूजा करने के लिए और हम पहाड़ों में आए हैं और मैगी ना खाएं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। सो फाइनली हम लोग वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ट्रेल बहुत ही ज्यादा कीचड़ वाला हो चुका है। पहले भी कीचड़ वाला था, खैर अब और ज्यादा हो गया है, ओस पड़ रही है और बहुत बुरा हाल है। बस कुछ फिसलना ही बाकी रह गया, बट व्यू एंड वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी बादल पास पास हैं, फॉग हो रही है, टेम्परेचर इज गुड, बस फिसल ना जाए। सो हमारा जो लॉरी पास आ गया है ऑलमोस्ट ट्रैक खत्म हो गया है, बट बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, बट थैंकफुली आई हैव एन अम्ब्रेला। गॉड, तो वैसे भी जून जुलाई के टाइम पर अगर हम आए तो इट्स बेटर टू कैरी एन अम्ब्रेला क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, बहुत ही अनसर्टेन वेदर रहता है। सो थैंकफुली मेरे पास अम्ब्रेला था तो मैं बच गई। फाइनली ट्रैक खत्म हो गया है और हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वी आर गोइंग बैक टू अवर होटल। तो स्पाइडर इंसिडेंट के बाद सब गैदर हुए नाइट फन के लिए, डांस किया, डिनर किया एंड देन वी ऑल वेंट टू स्लीप। सो दैट्स हाउ वी एंड आवर डे 2।